नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर और आप देख रहे हैं वारदात। आसाराम बापू के खिलाफ बोलने वाले एक और गवाह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दरअसल कृपाल सिंह की मौत इस मामले में पहली नहीं बल्कि तीसरी मौत है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आखिर कौन आसाराम बापू पर चल रहे यौन शोषण मामले के अहम गवाहों को एक एक कर मौत के घाट उतार रहा है और पुलिस अभी तक इस साजिश के मास्टरमाइंड का पता नहीं लगा पाई है। फिलहाल तो ये साजिश सवालों के घेरे में, लेकिन हम आपको उस काली रात का सच बता सकते हैं और वो भी खुद उसके मुंह से, जिसकी वजह से आसाराम को जेल जाना पड़ा। जी हां, आज वो आपके सामने पहली बार बोलेगी और उस काली रात का पूरा सच आपको बताएगी। उस रात को उसने मुझे दूध दिया था पीने के लिए, बाकी और कुछ नहीं। पहली बार तभी जोधपुर में ही हुआ था मेरे साथ ऐसा, उससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कुछ भी। आशाराम ने मुझे धमकी जरूर दी थी कि इस बारे में मैं किसी से भी कुछ भी ना कहूँ, नहीं तो वो मेरे पेरेंट्स को नुकसान पहुँचाएगा, उन्हें मरवा देगा। मैं गवर्नमेंट से सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि जितने भी गवाहों पर हमले हुए हैं और जिनकी भी मृत्यु हुई है, उनके लिए सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि उन्हें न्याय मिल सके। हाँ, एक डर तो बना ही हुआ है, इतने लोगों पर हमले हो चुके हैं, हम पर भी हो सकता है। मैं चाहूँगी कि हमें भी थोड़ी सिक्योरिटी मिले, थोड़ी सुरक्षा मिले। दर्द में डूबे ये वो अल्फाज हैं जो उस पीड़ित लड़की की आप बीती हैं। ये अल्फाज उस काली रात का कड़वा सच भी है जो इस पीड़ित लड़की की जिंदगी में कभी ना भरने वाला जख्म बन चुका है। यह अल्फाज उस हादसे का भयानक सच भी है जिसे इस पीड़ित लड़की ने जिया है। आप एक बार फिर सुनिए कि कैसे इस लड़की को 15 अगस्त 2013 की रात को आसाराम बापू के जोधपुर आश्रम में बहला फुसला कर उसकी कुटिया में ले जाया गया और वहाँ इसके साथ क्या हुआ। और पहली बार मुझे तभी पता चला था जब मैं जोधपुर गई थी और उसने जब मुझे कुटिया में बुलाया रात को, तभी मुझे सब पता चला। पहली बार तभी जोधपुर में ही हुआ था मेरे साथ ऐसा, उससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कुछ भी। इस पीड़ित लड़की के मुताबिक उस रात इसे आसाराम की कुटिया में पीने के लिए दूध दिया गया और फिर उसके बाद आसाराम बापू ने इसका यौन शोषण किया। उस रात को उसने मुझे दूध दिया था पीने के लिए, बाकी और कुछ नहीं। तो इतना ही नहीं, इस लड़की का ये आरोप भी है कि आसाराम बापू ने बाद में इसे धमकी दी कि अगर इसने इस बात का जिक्र किसी से भी किया तो वो लड़की के माता पिता को नुकसान पहुंचा सकता है। आसाराम ने मुझे धमकी जरूर दी थी कि इस बारे में मैं किसी से भी कुछ भी ना कहूँ, नहीं तो वो मेरे पेरेंट्स को नुकसान पहुँचाएगा, उन्हें मरवा देगा। उसने रात को ही मुझे धमकी दी थी उसी समय कि मैं अपना मुंह बंद रखूं, चुप रहूं। इसके बाद पीड़ित अपने माता पिता के साथ शाहजहांपुर वापस आ गई। शाहजहांपुर पहुंचकर लड़की में हिम्मत आई और उसने अपनी माँ को सारी बात बता दी। माँ ने बाप को बताई और फिर पूरा परिवार 19 अगस्त 2013 को दिल्ली पहुंच गया आसाराम बापू से मिलने। लेकिन आसाराम बापू ने इस परिवार से मिलने से मना कर दिया, लिहाजा 20 अगस्त 2013 को लड़की ने दिल्ली के कमला नगर थाने में बाबा के खिलाफ यौन शोषण करने की रिपोर्ट लिखा दी और इस तरह 15 अगस्त 2013 की काली रात का पूरा सच सबके सामने आ गया। लेकिन उसके बाद आसाराम को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी और आखिरकार 1 सितंबर 2013 को पुलिस ने आसाराम को उसके इंदौर आश्रम से रात के करीब 12:30 बजे गिरफ्तार कर ही लिया। बस उस दिन से इस मामले में एक बार जेल जाने के बाद आज तक आसाराम बापू जमानत पाने के लिए अदालत में गुहार लगा रहे हैं। हिमांशु मिश्रा, शाहजहांपुर, आज तक। उस काली रात का काला सच तो आपने सुन लिया। आइए अब आपको इस केस की एक और हकीकत से रूबरू करा दें। नाबालिग यौन शोषण मामले में आसाराम के जेल जाने के बाद से ही इस केस से जुड़े अहम गवाहों पर कातिलाना हमलों और मौत का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो अभी तक रुक नहीं पाया है। दरअसल कोई है जो इस केस में आसाराम के खिलाफ बोलने वाले गवाहों को जान से मार रहा है।
कोई है जो नहीं चाहता कि इस केस का एक भी गवाह कोर्ट में आसाराम के खिलाफ गवाही दे, क्योंकि कृपाल सिंह की मौत इसी कड़ी में तीसरा कत्ल है और गिनती कब और कहां रुकेगी ये कोई नहीं जानता। 22 मई 2014, अमृत भाई गुलाबचंद प्रजापति आसाराम बापू के पूर्व निजी वैद और राजदान, आसाराम के खिलाफ अदालत में गवाही देने के बाद राजकोट के क्लिनिक में गुमनाम बंदूकधारियों ने किया कत्ल। 11 जनवरी 2015, अखिल गुप्ता आसाराम का पूर्व सेवादार और रसोईया, बाप बेटे के खिलाफ सरकारी गवाह बनने के बाद घर के नजदीक गुमनाम बंदूकधारियों ने ली जान। 11 जुलाई 2015, कृपाल सिंह यौन शोषण मामले में आसाराम के खिलाफ गवाह, 10 जुलाई को जानलेवा हमला, 11 जुलाई को मौत। आसाराम के खिलाफ कोर्ट में खड़े होकर सच बोलने और गवाही देने वाले एक और शख्स की मौत हो गई, यानी आसाराम यौन शोषण केस में मरने वाले गवाहों की गिनती 3 हो गई है। जी हाँ, कृपाल सिंह ही वो शख्स था जिसने एक नाबालिग लड़की के साथ यौन शोषण के इल्जाम में जोधपुर जेल में बंद आसाराम के खिलाफ गवाही दी थी। लेकिन कृपाल सिंह की मौत महज एक इत्तफाक नहीं है, ये किसी की सोची समझी साजिश का नतीजा है, क्योंकि जैसे जैसे एक एक कर आसाराम और नारायण सिंह के खिलाफ सच बोलने की जुर्रत करने वाले गवाहों का कत्ल किया जा रहा है या फिर उन पर कातिलाना हमले किए जा रहे हैं, उन्हें देखकर तो लगता है कि कोई है जो पहले तो एक एक कर इस केस से गवाहों को जान से मारने का प्लान बनाता है और फिर अपने प्लान को अंजाम तक पहुंचा देता है। आपको बता दें कि कृपाल सिंह को भी शाहजहांपुर में 10 जुलाई 2015 की रात 8 बजे दो मोटरसाइकिल सवारों ने उस वक्त सरेराह गोली मारी जब वो अपने घर वापस जा रहे थे। वहां से उन्हें बरेली रेफर कर दिया गया, लेकिन कृपाल सिंह की जान नहीं बचाई जा सकी। डॉक्टरों के मुताबिक कृपाल के स्पाइनल कॉर्ड में चोट की वजह से उन्हें पैरालिसिस हो गया था और उनके बचने की उम्मीद भी काफी कम थी। ये 10:30 पे इनकी डेथ हुई है। मैं 10 बजे मेरी ड्यूटी स्टार्ट होती है, जब मैंने यहाँ पर आगे देखा इनको तो ब्रैडीकार्डिया में पहले से ही चल रहे थे, पेशेंट बहुत शिक था और डोपन ऑरेट पे हमने लेके रखा हुआ था, बैंड सपोर्ट दे रहे थे, बट 10:30 पे वो एक्स हो गए। कृपाल सिंह के ऊपर शाहजहांपुर इलाके में शुक्रवार की रात 8 बजे कातिलाना हमला हुआ, जिसके बाद उन्हें सबसे पहले वहीं के एक लोकल हॉस्पिटल में ले जाया गया, उसके बाद उन्हें बरेली के लिए रेफर कर दिया गया, जहां पर उन्हें सबसे पहले लाइफलाइन हॉस्पिटल लाया गया और उसके बाद मिशन हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया। यहाँ पर शनिवार के दिन में उनका एक ऑपरेशन भी हुआ, लेकिन रात 10:30 बजे डॉक्टरों ने उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया। पुलिस के मुताबिक कृपाल सिंह ने मरने से पहले 3 लोगों के नाम लिए थे और वो फिलहाल उन तीनों को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। हाँ, ये बता रहे हैं कि आसाराम केस में जो मुख्य गवाह थे उन्हीं के ऊपर शक है इनका, जो है उन्हें तीन नाम बताए हैं इन्होंने, उनके गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। हाँ, दिन में सारे दिन शेयरिंग होती रही, अधिकारियों से बातचीत होती रही और पुलिस ने कई जगह दबिश डाल ली है। आखिर कौन है वो जो नहीं चाहता कि आसाराम या उसके बेटे नारायण साईं के खिलाफ कोई कोर्ट जाकर गवाही दे? आखिर कौन है वो जो आसाराम बापू या फिर उनके बेटे नारायण साईं के खिलाफ बोलने वाले सभी लोगों को एक एक कर या तो रास्ते से हटा रहा है या फिर हटाने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर बाप बेटे के जेल जाते ही उनके खिलाफ मुंह खोलने वाले इतने सारे लोगों पर हमले क्यों और कैसे हो रहे हैं? आखिर क्यों आसाराम और नारायण साईं के खिलाफ सबूत देने वाले चुन चुन कर मारे जा रहे हैं? आखिर किसके इशारे पर ऐसा हो रहा है? आखिर कौन है इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड? क्योंकि जब तक कानून के हाथ उस मास्टरमाइंड तक नहीं पहुंचते, तब तक इस पूरी साजिश का पर्दाफाश नहीं हो पाएगा। मौत से पहले कृपाल सिंह ने पुलिस को 3 नाम बताए थे। बरेली पुलिस को शक है कि ये तीनों लोग सेवादार हो सकते हैं आसाराम के, क्योंकि पुलिस को इस बात के भी सबूत मिले हैं कि कृपाल की मौत के पहले इस इलाके में आसाराम के सेवादार घूम रहे थे। अब पुलिस को उन तीनों की तलाश है। विनय पांडे और कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ हिमांशु मिश्रा, शाहजहांपुर आज तक। आसाराम के रसोईया रहे अखिल को भी
मुजफ्फरनगर में बाइक पर आए दो लोगों ने ठीक उसी तरह अपनी गोलियों का निशाना बनाया था जैसे कृपाल सिंह को बनाया, तो क्या आसाराम के खिलाफ मुंह खोलने वाले सभी गवाहों पर हमले का बिल्कुल एक जैसा ये तरीका भी महज इत्तेफाक है या फिर इशारा कुछ और है? कभी आसाराम और उसके बेटे नारायण साईं के लिए रसोइये का काम कर चुका अखिल गुप्ता इन दिनों अपने होम टाउन मुजफ्फरनगर में ही रहता था। वो इन बाप बेटे के साथ करीब 10 सालों तक रहा, लेकिन फिर वहीं एक लड़की से शादी करने के बाद वो वापस अपने घर मुजफ्फरनगर लौट आया। इसके बाद वो यहीं रहकर डेयरी का कारोबार कर रहा था, लेकिन 11 जनवरी की रात करीब 7:45 बजे जब वो स्कूटर पर अपने घर लौट रहा था, अचानक बाइक पर आए कुछ हमलावरों ने उसे पीछे से गोली मार दी और अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। बाद में अखिल को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। दरअसल अखिल सूरत की दो बहनों की शिकायत के बाद आसाराम और नारायण साईं के साथ रेप के मामले का मुलजिम बन चुका था, क्योंकि उन दिनों अखिल ने भी कथित तौर पर बाप बेटे की करतूत में उनका साथ दिया था। लेकिन उसकी जिंदगी में तब एक नया मोड़ आया जब 19 अक्टूबर 2013 को अचानक एक रोज गुजरात पुलिस उसे अपने साथ मुजफ्फरनगर से सूरत ले गई। वहां पुलिस की पूछताछ के बाद वो आसाराम और नारायण साईं के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो गया। उसने अपने बयान भी दर्ज करवाए, लेकिन इससे पहले कि अदालत कोई फैसला करती, अखिल गुप्ता का कत्ल कर दिया गया। आज तक ब्यूरो। वैद्य अमृत प्रजापति भी राजकोट के पेड़क रोड पर अपनी क्लिनिक में बैठे थे, तभी दो अनजान शख्स क्लिनिक में दाखिल हुए और उन पर गोलियां चला दी। हालांकि उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। प्रजापति भी आसाराम बापू पर चल रहे यौन शोषण मामले के अहम गवाह थे, लेकिन हैरानी की बात यह है कि पुलिस आज तक उनके कातिलों को नहीं ढूंढ पाई है। रंगरेलिया मना रहा था, दूसरी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर रहा था, समाज के सामने वो ब्रह्मचर्य का दिखा रहा था, धोखा आपत्तिजनक है। 22 मई 2014, दोपहर का वक्त, राजकोट। वैद्य अमृत प्रजापति राजकोट के पेड़क रोड पर अपनी क्लिनिक ओम शांति में बैठे थे, तभी दो अनजान शख्स क्लिनिक में दाखिल होते हैं और बिल्कुल पास से प्रजापति को दो गोली मारते हैं। एक गोली कान को छू कर निकल जाती है, जबकि दूसरी चेहरे पर लगती है। गोली मारने के बाद हमलावर तो फरार हो जाते हैं, लेकिन अस्पताल में इलाज के दौरान प्रजापति की मौत हो जाती है। नाम दिया है तो वो नाम पढ़कर उनकी पत्नी ने वो सभी का टेलीफोन नंबर दिया पुलिस को, और वो जो हमलाखोर थे उनकी पत्नियों का टेलीफोन नंबर भी दिया है। फिर भी अभी तक पुलिस ने उनका क्या किया, कैसे हुआ, कैसे काम कर रही है, वो हमें कुछ पता नहीं है। लेकिन प्रजापति की मौत कोई मामूली मौत नहीं है। अव्वल तो ये एक ऐसा मर्डर है जिसे बेहद खौफनाक तरीके से अंजाम दिया गया, और दूसरा, प्रजापति ही वो शख्स थे जिन्होंने पहली बार आसाराम की करतूतों मसलन एकांतवास, पंचेट बूटी और यौन शोषण की पोल खोली थी। लेकिन इससे भी ज्यादा अहम बात ये कि प्रजापति आसाराम के खिलाफ सबसे अहम गवाह थे। आज तक ब्यूरो। तो वारदात की इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक।